नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मेरा नाम कावेंद्र चौहान है और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या पूछ रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बहस का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसकी संरचना बस इसलिए ही की गई है। आजकल उत्तराखंड में जो हवा बह रही है उसका AQI लेवल बहुत कम हो सकता है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन इसमें सियासी हवा दरअसल काफी कुछ मिश्रण कर बह रही है। तो सियासी हवा जब बह रही है तो दंगल भी है, और इस दंगल का तो विराम जब होगा जब मतपेटियां खुलेंगी। मतपेटियां खुलने से पहले इस वक्त पूरे उत्तराखंड में सियासी भागदौड़, सियासी हलचल, सब कुछ अपनी जगह बना हुआ है। लेकिन इस वक्त एक मुद्दा है जिसको लेकर आज हमने चर्चा की शुरुआत की है। मुद्दा दरअसल यह है कि विधायक जो कि पहले मंत्री हुआ करते थे और पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर वापस कांग्रेस में चले गए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, चुनावों से पहले दल बदल की राजनीति जो होती है हर दफा होती है, हर चुनाव में होती है, हर जगह होती है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन बात दरअसल यह है कि एक नेता जो कल तक कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, और आज जब वापस वो कांग्रेस में चला गया है तो उन पर होता है हमला। और इस हमले को लेकर अब दोनों पार्टियां, जिनमें वो दोनों जगह पर घर लेकर रह चुके हैं, दोनों पार्टियां अब उन पर इल्जाम लगा रही हैं कि दरअसल हमले के लिए वो जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि हमले के लिए वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार दरअसल कौन है, इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बात कर रहा हूं परिवहन मंत्री रहे यशपाल आर्य जी। यशपाल आर्य जी पर हमला हुआ, हमले के बाद उन पर राजनीति हुई। हमला दरअसल हुआ था 4 तारीख को। 4 तारीख को वो अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो किसी काम से जा रहे थे। बाजपुर सीट है, वहां पर सिखों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर किसी काम से गए, हमला हुआ। हमले के बाद सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान ने सीधे जोर से एक बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, और जिम्मेदार तो है ही है, साथ ही सुरक्षा देने की भी मांग की। बीजेपी का क्या टेक था? बीजेपी का टेक था कि बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया कि दरअसल उनकी कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है उसके अंदर आपसी फूट पड़ी हुई है, और जब आपसी फूट है उसी टूट का यह नतीजा है कि यशपाल आर्य पर हमला हुआ। तो उनका कहना है कि यशपाल आर्य पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के आपसी नेता आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई से बाज नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दरअसल बीजेपी डरी हुई है कि एक बड़ा नेता अब कांग्रेस में वापसी कर चुका है, तो ऐसे में बीजेपी का क्या होगा। डर भी लाजमी है। क्यों लाजमी? डर इसलिए लाजमी है क्योंकि यशपाल आर्य कोई छोटे नेता नहीं, कद्दावर नेता है उत्तराखंड के, 7 बार विधायक रह चुके हैं और इस दफा वाजपुर सीट से विधायक हैं। उनके बेटे भी हैं संजीव आर्य, वो भी विधायक हैं। दोनों बाप बेटा अब बीजेपी छोड़कर वापसी कर चुके हैं कांग्रेस में। कांग्रेस को ताकत मिला है, बल मिला है, लेकिन हमले को लेकर सियासत भी मिली है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। सियासी बवाल के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी। यशपाल पर हमला, घेरे में बीजेपी। सियासी जंग से कैसे जीतेगी धामी सरकार। वार पलटवार के दौर, चुनावी एजेंडा क्या। हमले से आया सियासी भूचाल। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य इस समय उत्तराखंड की सियासत को भुनाने का काम कर रहे हैं। जी हां, हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष का विरोध कर रही है। कांग्रेस की ओर से कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है तो कहीं सरकार को जमकर कोसा जा रहा है। वहीं इसी बीच इस हमले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत भी इस सियासी अखाड़े में कूद गए हैं और मामले में सरकार की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है,
सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का, पहले हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते हैं। वहीं इस हमले में न्याय की मांग को लगातार कांग्रेस की ओर से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। बता दें कि कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर हाल ही में सीएम आवास के लिए भी कूच किया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद से इस मामले ने और तूल पकड़ लिया और सीएम आवास के लिए जाने वाले सभी प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इसका कोई भी फर्क सरकार पर नहीं पड़ा और अपने अड़ियल रवैये के चलते सरकार को खरी खोटी भी सुननी पड़ी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, और खास करके दलित वर्ग के नेता हैं, और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, मोदी जी का आना और एक हमारे बड़े नेता पर, जो कि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर ये हमला करना उस वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। वहीं जहां एक और इस मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने सारा ठीकरा बीजेपी सरकार पर मढ़ दिया, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की बागडोर संभालने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा और विपक्ष पर पलटवार करते हुए कई सवालों का हरीश रावत जी से भी जवाब मांगा। सीएम धामी का कहना है कि इस प्रदेश में कोई भी कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसे कानून के हिसाब से ही चलना होगा और उसी के हिसाब से काम भी करना होगा। देखिए, जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्या जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हों, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के मद्देनजर हरीश रावत इस बार उत्तराखंड में खुद की जीत दर्ज कराने पर लगे हैं। वहीं धामी सरकार भी अपनी ओर से इस रण को जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, और शायद इसलिए दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। लेकिन इस वार पलटवार में कौन होगा उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज, ये तो आगे आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। तो चलिए, पूछता है उत्तराखंड में डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं, आपका परिचय करा देता हूं। संजय भट्ट हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। अमनदीप सिंह हैं, प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस से। और संजीव वर्मा है, मीडिया प्रभारी है आप बीजेपी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूछता है उत्तराखंड में। बहुत खुलकर बात करेंगे आज, एक एक कॉमेंट होगा, इसके बाद डिबेट को सबके लिए खोल देंगे, सब खुलकर बोल सकते हैं। उससे पहले एक एक कॉमेंट सभी से। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, मीडिया प्रभारी हैं आप बीजेपी से। आपसे सवाल मेरा वही है जो हरीश रावत जी का बयान है। सवाल यह है कि गांधी के सिद्धांत पर हमला है, किसी से अगर असमर्थ हैं तो क्या आप उस पर हमला करेंगे? नेता बड़ा भी हो सकता है, नेता छोटा भी हो सकता है। कल तक आपकी पार्टी में थे, आज आपकी पार्टी से जा चुके हैं, तो असमर्थ हैं, नाराज हैं, तो क्या हमले करवाएंगे? सीधा सवाल, सीधे जवाब की अपेक्षा है आपसे। देखिए, यशपाल आर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे, हरीश रावत जी ने उनको दलित चेहरे का एक सब्ज बाग दिखाया कि आपको
कांग्रेस में हम लेके जा रहे हैं और हम कांग्रेस का सीएम का चेहरा आपको बनाएंगे। इस सब्ज बाग में आकर मनी यशपाल आर्य जी ट्रैप हो गए और ट्रैप होने के बाद उनको जो जलालत जो अपमान के घूंट कांग्रेस में पीने पड़ रहे हैं लगातार, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेसी उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो धड़े बाजी उत्तराखंड में है वो किसी से छुपी नहीं है, जूतों में दाल बट रही है। चार नेता हैं तो चार दिशाएं वो लोग इख्तियार किए हुए हैं और ये सीधा सीधा एक तरह से जो आपस के कांग्रेस की प्रतिद्वंदिता है, आपस में कांग्रेस के जो अन्य गुट हैं जो उसी सीट से या अन्य सीटों से इसमें संजीव आर्य जी को भी हो सकते हैं और यशपाल आर्य जी भी हो सकते हैं, उन दोनों की सीटों पर जिन अन्य लोगों ने एक तरह से दावेदारी अपनी मजबूत बनाई है और एन समय टाइम पर यशपाल आर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जिस तरह से दोबारा से कांग्रेस में प्रविष्ट हुए, उन लोगों को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों ने हमारी सीट पर एक तरह से नाजायज कब्जा जमाने का प्रयास किया और इसी भड़ास को निकालने के लिए वो आपस में ये जो द्वंद्व जिसको मैं कहूँगा, आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में आपस में फूट है, हबला इनकी पार्टी के द्वारा अलग नेताओं के द्वारा कराया जा रहा है, कौन सा नेता? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल झूठ बोल रही है। कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। एक यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी का गुट है, एक अन्य गुट है जो कि कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस को स्वयं देखना चाहिए कि जो आपस की अंदर की लड़ाई है उसको ये कैसे शांत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का विकास के नाम पर कोई लेना देना नहीं है, आपस की लड़ाई है, विकास के नाम पर सब आपसी का लेना देना। एक सेकंड, ठीक है, हो गया, ठीक है। मैं आपसे संजीव वर्मा जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत दरअसल ये है कि चार नेता है, चार दिशाओं में जा रहे हैं और सभी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन आपके यहाँ बेहतर पैकेज है, आपके यहाँ एक टर्म में तीन नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कंफर्टेबली बन सकते हैं, दैट्स गुड, ठीक है। अब सीधा रुख करूंगा मैं अमनदीप सिंह की ओर। अमनदीप सिंह जी, आप बार बार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की वजह से हमला हुआ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमला करवाया, लेकिन बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा है कि हमला दरअसल कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ी है, जो आपके नेता हैं वो दरअसल नाराज है। थोड़ा सा खुलकर बता दूं अगर दर्शकों के लिए भी, तो दरअसल बात यह है कि 2012 में जब चुनाव हुए थे, जब विजय बहुगुणा साहब को जब मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस ने, तब विजय बहुगुणा जी की जगह पर सबसे पहले बात यशपाल आर्य जी की ही आ रही थी कि यशपाल आर्य जी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सबसे बड़े और कद्दावर नेता उत्तराखंड के कांग्रेस के हुआ करते थे। बाद में वो बीजेपी में चले गए, सत्ता का भूख भोगा। अब सत्ता का सुख भोगने के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है। कांग्रेस में वापसी करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि पंजाब की तरह वो उत्तराखंड में भी एक दलित नेता मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे में शायद यशपाल आर्य जी को लगा हो कि यहां पर संभावनाएं ज्यादा हैं। बीजेपी में तो सिर्फ मंत्री पद है, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है, तो इसलिए वो शायद पार्टी में आ गए। अब जब उन पर हमला हुआ है तो उसके लेकर अब कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बाकी जो नेता है वो दरअसल बड़े नाराज हैं। प्रीतम सिंह जो थे वो सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जब यशपाल आर्य आ गए हैं तो अटकलें ये भी हैं कि अगर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है, ज्यादा वोट लाती है, तो यशपाल आर्य एक प्रमुख दावेदार होंगे मुख्यमंत्री सीट के। इसलिए आपकी पार्टी में आपस में फूट है, आपकी पार्टी आपस में लड़ रही है और इसी लड़ाई के चलते यशपाल आर्य जी पर यह हमला हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री वाली दौड़ और मुख्यमंत्री की सीट तो हमारी पार्टी तभी ही फैसला ले पाएगी जब हमारी सरकार प्रदेश उत्तराखंड में बनेगी। दूसरी ओर ये जो हमला यशपाल आर्य जी पे हुआ है 4 तारीख को, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और निंदनीय बात है कि प्रदेश के इतने बड़े नेता
और हमारी पार्टी के इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन पे हमला किया जाता है, और हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने किया है, भाजपा सरकार पे सीधे सीधे उंगली उठती है उसका, क्योंकि कारण है, सारी कानून व्यवस्था प्रदेश की इनके हाथ में है। लेकिन अब जैसे संजीव वर्मा जी बता रहे हैं कि जी हमारी कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस के गुटबाजी होने के कारण उन पे हमले हो रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो कानून व्यवस्था है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि हमें हमारे पे सवाल उठाने से पहले आप अपने आप में देखिए कि आपके जो फूट है उसमें ये चल रही है चीजें, तो सवाल तो यही उठता है ना, हमारी सरकार, हम लोग तो उठा ही रहे हैं सवाल, इनके शासनकाल में इतना बड़ा हमला हो गया तो इनके ऊपर उंगली कैसे नहीं उठेगी। तो दूसरी ओर मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये हमला हुआ है तो तब यशपाल आर्य जी एक ज्वाइनिंग कराने जा रहे थे जिसमें सैकड़ों युवा एवं सैकड़ों लोग कांग्रेस में जुड़ना चाह रहे थे, और वही प्रोग्राम उन्होंने वहां रखा था और उसी में जाते जाते वहां उनके ऊपर हमला हो गया। तो भाजपा सरकार पे कहां से उंगली नहीं उठेगी, मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले। सोर्सेस ये भी बता रहे, आपको डर है, आपको भाजपा सरकार को डर है कि हमने कोई विकास का काम नहीं किया, आज हमने प्रदेश में कोई काम नहीं किया, तो जो आदमी काम कर रहा है उसकी आवाज को दबाने का काम भाजपा सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, ये आज देखने को मिल गया है। 4 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हमला हुआ तो ये कितनी ही चिंताजनक विषय है, निंदाजनक बात है। ठीक है, प्रदेश में इतने बड़े हमले हो रहे हैं और आप अपनी अपनी गलती मानने के सिवाय जिस पार्टी में वो है उस पर आप ब्लेम कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधा सवाल करते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है ये पूरा का पूरा भाजपा सरकार के ऊपर है, और भाजपा सरकार ने ये बहुत ही गलत जो काम वहां पे किया ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और निंदनीय बात है। ठीक है अमनदीप, ये अच्छे नेता पे इतना बड़ा हमला हो गया। ठीक है अमनदीप, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। अमनदीप एक बात बताइए कि सोर्सेस के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि दरअसल हमला किसानों के द्वारा भी किया गया है, कि कुछ किसान भी उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि लखीमपुर खीरी वाला जो मैटर हुआ उसके बाद से भाजपुर सीट के जो सिख मतदाता है, जो वहां पर सिख किसान है, वो काफी नाराज थे यशपाल आर्य से। पार्टी तो बदल गई, नाराजगी तो है जी, सिख मतदाता जो है। देखिए किसानों द्वारा ऐसा कुछ नहीं कि हमला किया, अगर किसानों द्वारा हमला किया जाता तो जब यशपाल आर्य जी पैदल चल के अपने अपनी जान बचा के पैदल चल के जब कोतवाली पहुंचे और अपनी FIR दर्ज कराई इस मामले के बारे में पुलिस को बताया, तो सबसे ज्यादा वहां किसान भी थे। ठीक है, तो किसान सबसे ज्यादा जनता में, तो किसान भी थे ना, किसान यशपाल आर्य जी से नाराज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नाराज कैसे होंगे, क्योंकि वो जिस सीट से विधायक हैं उस सीट पर मेजोरिटी जो है वो सिख वोटर्स की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि किसान जो वहां के हैं वो यशपाल आर्य जी से नाराज नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नाराज बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पे भी खड़ी रही और आज भी खड़ी है। वो बीजेपी में थे जी, तो वो तब भी नाराज नहीं थे। अब देखिए ऐसा है, मतलब किसान बीजेपी से नाराज नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए ऐसा है, जब यशपाल आर्य जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मैं आपको अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि किसान भी उसमें मौजूद थे, तो ऐसा कुछ नहीं था जो किसानों ने उनके ऊपर, ये तो ठीक है, ऐसा है कि जो ठीक है, हमने ठीक है, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उससे आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। तो फिर आपने यशपाल आर्य जी को अपनी पार्टी में क्यों लिया? आपको जब पता है कि लखीमपुर खीरी की घटना के वक्त उस पर उन्होंने कोई आवाज तक टिप्पणी नहीं करी बीजेपी को लेकर? देखिए ऐसा है कि जो ये लोकतंत्र है, ये राजनीति के चीजें हैं, इसमें दरवाजे जाने के लिए भी खुले हैं और आने वालों के लिए भी खुले हैं। तो यशपाल मतलब किसी के लिए भी आपके दरवाजे खुले हैं? जब घर वापसी आप करी तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी बात क्या थी? वो गए तो कांग्रेस से थे, कहीं ना कहीं उनके मन में कांग्रेस विचारधारा के हिसाब से, नीति के हिसाब से आप कह सकते थे, वापस आए ना, नीति के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से आप कह सकते थे कि यशपाल आर्य जी अब आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, कृषि कानूनों को लेकर किसान दर दर भटकता रहा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो अब आप इस पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि आप बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये तो उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, समझ गया आपकी बात, विचारधारा कोई नहीं है, कोई भी किसी पार्टी में जाता है तो धुल जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है। ठीक है, अब सीधे जाऊंगा आम आदमी पार्टी के पास। ठीक है संजय भट्ट साहब,
संजय भट्ट साहब, आपसे बस यही सवाल रहेगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 2002 विधानसभा चुनाव पहला तब से लेकर आज तक उत्तराखंड की समस्त जनता यही देखती रही। इसके बाद एक और चीज आपको सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को लेकर क्या उसका वर्जन है, सबसे पहले आप वर्जन दीजिएगा, फिर आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जहां तक ये चल रहा है, पारे जी अभी तक मंत्री थे और अब वो मंत्री पद से हट गए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, उसके बाद कहा जाता है कि उन पे हमला हुआ। अब हमला हुआ कि नहीं हुआ ये तो वहीं के लोग जाने, क्योंकि मैंने किसी का भी नहीं सुना कि इतने लोग घायल हुए उस हमले में और इतने लोगों की चोटें लगी, ऐसा कहीं पर किसी ने नहीं दर्शाया, ना बताया, ना कोई फोटो आई, ना कोई वीडियो आया। बाकी तो वही लोग जाने जो वहां मौजूद थे, मैं तो वहां मौजूद नहीं था तो मैं नहीं कह सकता हमला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें राजनीति हो रही है और ये राजनीति चमकाने का काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो आप कुछ तो कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, राजनीति में तो आप दोनों तरफ से, नहीं नहीं राजनीति ठीक है, राजनीति में तो हम सभी हैं और हमें सभी को राजनीति करनी है, लेकिन जनता के लिए राजनीति करनी है। ये नहीं कि मैं इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में गया, विधायक था, मंत्री था, फिर दूसरी पार्टी में विधायक मंत्री बन गया, अब मैं फिर वापस अपनी पार्टी में आ गया विधायक मंत्री बनने के चक्कर में, और अब ये हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब उत्तराखंड में नहीं चलता था। आज तक राजनीति में उत्तराखंड में हमले नहीं होते थे। हाँ, किसी का विरोध कोई भी कर सकता है कि भाई किसी को कोई समझ नहीं आती बात, तो वो विरोध कर सकता है, क्योंकि हमला हुआ तो कोई गाड़ी फूटी होगी, किसी के चोट लगी होगी, किसी को कुछ हुआ होगा, तब जाके ये इतने बड़े बड़े FIR दर्ज करवाई गई थी अस्पालारी जी के द्वारा 13 लोगों पर, फिर विपक्षी पार्टी ने भी 24 लोगों पर और यशपाल संजीव आर्य समेत 24 लोगों पर FIR दर्ज करवाई है। तो कहीं कितने लोग इसमें घायल हुए ये कहीं दर्शाया नहीं गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तो दर्शाया जाना चाहिए, ये तो सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से शुद्ध सियासत हो रही है। ठीक है, एक चीज और पूछना चाहूंगा संजय भट्ट साहब आपसे कि आपने दल बदल का जिक्र किया कि चुनावों से पहले ये क्या तरीका है कि एक आदमी इस पार्टी में जाकर मंत्री बन जाता है, दूसरी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसी भी बड़े चेहरे को अगर वो आना चाहता है आम आदमी पार्टी में, तो उनका स्वागत कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी का सीधा सा नियम है, रूल है, CCC, करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए, तभी आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति को लेगी। यशपाल आर्य जी पर तो NS-74 घोटाले का मामला है और पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि NS-74 मामले की CBI जांच होगी। ना तो कांग्रेस इस पे कुछ बोलने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ बोलने को तैयार है, क्योंकि ये मलाई बांटकर खाने वाले लोग हैं, उत्तराखंड को बांटकर लूटकर खाने वाले लोग हैं, दोनों मिलकर खाते हैं। और ये जो हो रहा है आजकल हमला, ये भी इसमें इन दोनों की मिली भगत है। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों बंदर बांट करने वाले लोग हैं, दोनों मिठाई जो है बांट कर खाने वाले लोग हैं, आप जो है जनता के लिए काम करते हैं, आप तीनों से एक एक वर्जन हो गया। अब दरअसल जनता से एक चौथा वर्जन, मेरी स्पष्ट सीधी बात होगी, आपने तीनों ही नेताओं के वर्जन सुने, तो आपने जब तीनों ही नेताओं के वर्जन सुने तो तीनों के पास अपना अपना एजेंडा है, तीनों के पास अपनी अपनी बातें हैं। यशपाल आर्य जो कल तक कांग्रेस में थे, चुनाव के बाद बीजेपी में मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, सत्ता का सुख भोगा, अब चुनाव से पहले जब उनको लगा कि एक दलित चेहरा भी सीएम बन सकता है कांग्रेस की तरफ से, तो अब कांग्रेस के पाले में आ गए, उन पर हमला हुआ, हमले के बाद सियासत तेज हो गई। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि जनता इसमें क्या समझे, बड़ा कद्दावर नेता, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उनको मंत्री पद मिल रहा है, मुख्यमंत्री पद मिल रहा है, बेटे को भी पद मिल रहा है, जनता को क्या मिल रहा है? तो जनता को दरअसल यह मिल रहा है कि हमारे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जिसमें हम जनता से कनेक्ट करते हैं, गांव का जो ग्रामीण है, जो आखिरी मकान जिसका है, कच्चा मकान जिसका है, उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप तीनों लोग भी सुनिएगा, हमारा एक कार्यक्रम है 3:30 बजे आता है, मेरा देश मेरा गांव, उसमें हम गांव गांव जाकर ग्रामीणों से बात करते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज जब बातचीत कर रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ, तो उनसे विनोद मिश्रा साहब है, विनोद मिश्रा साहब ने एक बात कही,
उन्होंने कहा कि हमारे यहां से जो एमएलए है वो मदन कौशिक साहब हैं, हरिद्वार की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो संजीव वर्मा जी ध्यान से सुनिएगा, संजीव वर्मा जी आप ही के लिए है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो विनोद मिश्रा साहब ने कहा कि मदन कौशिक जी जो हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो सियासत में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है, बिल्कुल बदहाल है, जबकि दो बार कोरोना का जो दंश है वो यहां की जनता झेल चुकी है लेकिन उसके बाद भी आज भी हॉस्पिटल की जो हालत है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण रूप से बदहाल है। दूसरी चीज सड़कों का हाल इतना खराब है कि नेटवर्क कनेक्शन की बात तो बाद में करेंगे, फोन के कनेक्शन की तो बात में करेंगे, लेकिन आप इतनी कनेक्टिविटी तो दीजिए कि सड़क के रास्ते कोई व्यक्ति चलकर एक जगह से दूसरी जगह अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। तो ये दरअसल जमीनी सच्चाई है। ऊपरी बातें ये है कि यशपाल आ रहे इस पार्टी से आज उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, क्या बयान किसने दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा और अब कर्नल अजय कोठियाल क्या कह रहे हैं। ये ऊपरी बातें हो गई उत्तराखंड की, ऊपरी ऊपरी चाशनी, ऊपरी ऊपरी लेयर, मीठी मीठी बातें, लेकिन कड़वी बात भी जरा ग्रहण करिएगा। कड़वी बात यह है कि एक गांव का व्यक्ति एक सवाल कर रहा है कि दो दो बार कोरोना काल रहा, दो दो वेव्स रही, उसके बाद भी आज सड़कों की यह हालत है कि कनेक्टिविटी नहीं है और अस्पतालों की यह हालत है कि हम किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए आज भी तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बिल्कुल बदहाल, खस्ता हाल है। जवाब दीजिएगा संजीव वर्मा जी। देखिए देहरादून से हरिद्वार तक का जो नेशनल हाईवे है जहां पर पहले 2.5 घंटे लगा करते थे आज 40 नहीं नहीं नेताओं और मंत्रियों के रास्ते और बड़े लोगों के रास्ते मत गिनाइए वहां, नहीं नेताओं और मंत्रियों के बात मत करिए कि देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लगता है, हरिद्वार के अंदर भी बात करिए। मेरे भाई अभी आपने कहा सड़कों की बदहाल हालत, तो सड़कों की बदहाल हालत का ही मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ कि बदहाल हालत नहीं, इतनी जबरदस्त सड़कें बनी है जहाँ पहले 2.5 घंटे लगते थे आज 40 मिनट में हम उस यात्रा को पूरा करते हैं। बात रही हॉस्पिटल्स की, नहीं नहीं बात यही रहेगी, संजीव वर्मा जी एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा कि सड़कों की बात यहीं तक रहेगी, अब हॉस्पिटल पर आता हूं। आप शायद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से निकलकर जाते नहीं, मैं लोकल रोड की बात कर रहा हूं, हरिद्वार की लोकल रोड की बात की जा रही है। एक सेकंड संजीव वर्मा जी मैं आपको एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप पहले का जवाब नहीं दे रहे थे। आप सवाल को सुनिए ध्यान से। आपने कहा सड़कों की बात यहीं तक, अब हॉस्पिटल पर आते हैं। रुकिए जरा सड़कों पर रुकिए, सब्र करिए। सड़कों की बात यह है कि नेशनल हाईवे की आपने बात की, स्टेट हाईवे की बात की, ठीक है, आप शायद इन सड़कों के अलावा कहीं और चलते नहीं होंगे, मैं लोकल रोड्स की बात कर रहा हूं। जब मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं और ग्रामीण की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां की कनेक्टिविटी का क्या साहब। श्रीमान जी हर जगह जबरदस्त कनेक्टिविटी है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। यदि आप कहते हैं कि सड़कों की हालत बदतर है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो आप कथन जो बोल रहे हैं वो किसी कांग्रेसी का किसी पक्ष नहीं 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 एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका जरा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सा रुकिए। संजीव वर्मा जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, संजीव वर्मा जी जो दरअसल मैंने आपसे बात की, जो सवाल किया वो मेरा सवाल नहीं था, वो एक जनता का सवाल था। मैंने आपको पहले ही बताया नाम के साथ कि विनोद मिश्रा जी हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की सड़कें बिल्कुल खराब हैं, हॉस्पिटल की हालत बदहाल है। उस सवाल को, जनता के सवाल को, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप तक ट्रांसफर किया। आप उस सवाल का जवाब दीजिए, पैट्रोनाइज मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा कि आपकी जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह लग रहा है। फर्स्ट नंबर वन,
दूसरी चीज यह है कि जो जो सवाल था ये जनता का सवाल था, तो जनता को जवाब दीजिए, असहमत मत होइए। अगर असहमत होंगे और जनता अगर आपसे असहमत हो गई तो भारी नुकसान हो जाएगा। फुटेज दिखा सकते हैं क्या उस सड़क की? आप मेरे को फुटेज दिखा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आप यदि उस सड़क की फुटेज दिखाएंगे तो मैं मान सकता हूँ कि आपका कथन सत्य है या असत्य। लेकिन लेकिन आप नहीं, मतलब बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा कह रहे हैं कि दो बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा कह रहे हैं कि ग्रामीण ने जो कहा है, जो सवाल उठाया है, उससे वो असहमत है और उनका कहना है कि ग्रामीण गांव का व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उन्हें जनता से सबूत चाहिए। मेरे भाई वो किसी विपक्षी दल का सदस्य हो सकता है। अच्छा, तो अब जनता सवाल करेगी तो विपक्षी दल की होगी, ठीक है, बिल्कुल। अमनदीप जी कुछ बात कहना चाहते हैं इस पर? संजीव वर्मा जी, आपको यही रोकना चाहूंगा, आपने क्योंकि पूरी तरह से मेरे सवाल को डिसमिस कर दिया। आपने कहा कि अगर सवाल करोगे तो मतलब यह है कि विपक्षी दल के हो। अमनदीप सिंह, ये नया लोकतंत्र है। उससे पहले अमनदीप जी यही रुकेगा जरा। अमनदीप जी थोड़ा सा ठहरिएगा। संजीव वर्मा जी को दरअसल सच का सामना, सच का आईना देखना पसंद है, तो उनके लिए ये वीडियो स्क्रीन पर है। जरा ये संजीव वर्मा जी को ये जरा वीडियो चलाकर दिखाइएगा। ये वीडियो है संजीव वर्मा जी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए डिबेट में वापस आइए। संजीव वर्मा जी, सड़क देख ली। अब ये मत कहिएगा कि ये जो गड्ढा किया गया कांग्रेस के लोगों ने किया और ये जो वहां पर जो ये जानवर घूम रहा था, ये दरअसल आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का जानवर है, उन लोगों ने इसको छोड़ा है वहां पर, और ये सड़क जो खस्ता हाल है ये दरअसल कांग्रेस के लोगों ने करी है। आपको सामने आपके बैठ कर ये वीडियो दिखाई है, अब इस वीडियो पर जवाब दीजिए जरा। आप यह कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? यह फोटोग्राफ 2015 का है, 2016 का है। महाराज, कुछ प्रमाणित नहीं करना, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सड़क की ओर ध्यान दीजिए बस। महाराज, 2015 की, अब ये भी प्रमाणित करूं बैठकर यहां पर, जनसेवा केंद्र खोल लूं यहां पर बैठकर? देखिए, सरकार अपनी तरफ से बेहतर से बेहतर। नहीं, नहीं, पहले जो वीडियो दिखाई है उस पर जवाब दीजिए। आपने कहा कि वीडियो दिखाइए, आपने कहा कि तस्वीरें दिखाइए, फोटोग्राफ दिखाइए, तस्वीर दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई, या माफी मांगिए? आप जो इल्जाम लगा रहे थे उसको लेकर, घर नल की सुविधा दी जा रही है विगत में जो 125,000। चलिए ठीक है, आंकड़ों को अपने पास रखिए, ठीक है, आंकड़ों को अपने पास रखिए, ठीक है। चलिए, अमनदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने तो मेरा सवाल कोई डिस्कस कर दिया, जब आपने कहा वीडियो दिखाइए, जब मेरे द्वारा वीडियो दिखाया गया तब आप कह रहे हैं कि ये प्रमाणित करिए अब कि ये मेरी सरकार का वीडियो है कि उस सरकार का वीडियो है। मतलब पूरी तरह से आप ये कह रहे हैं कि जनता झूठ बोल रही है, बस सत्य का जो प्रमाण पत्र है वो दरअसल आप ही लेकर। मैंने नहीं कहा जनता झूठ बोल रही है, मैंने कहा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के आपकी सरकार प्रदेश में फेल हो चुकी है, आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं बैठ के। आप ये बोलिए ना, आप साफ कहिए कि हमारी प्रदेश में सरकार फेल है, हमने कोई विकास नहीं किया है। ये जिस तरीके से संजीव वर्मा जी आज चौमुखी विकास देने वाली सरकार, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं ना आप, इसी प्रकार से भाजपा सरकार प्रदेश की युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। से पहले की हरीश रावत सरकार थी जिसने, आप एडवोकेट की बात कीजिए साहब, अभी की बात कीजिए ना, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस को उंगलियां उठाते हैं। आपने कौन सा विकास किया कि आपने कौन सा विकास किया? आप कमा लो, आपको तो आप 4-4, 5-5 करोड़ कमा लो और मैं आके मूंद लूंगा। उसने, उन्होंने कहा था, आप अभी की बात कीजिए, आप अभी की बताइए ना, खनन करें, आप बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, संजीव वर्मा जी ठीक है, कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? संजीव वर्मा जी, आज पूरी तौर पे, संपूर्ण तौर पे आपने साफ बोल दिया कि जनता जो है वो झूठ बोल रही है। अगर वो भी जनता की गलती है, अगर वो आपसे सवाल कर रही है, वो भी जनता की गलती है, झूठ बोल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के, आपको जो वीडियो भी दिखाया गया सड़क का, आप बोल रहे हैं 2015 का तो नहीं है। चलिए ठीक है, अमनदीप जी थोड़ा सा रुकिए। संजीव जी, आप भी थोड़ा सा रुकिएगा। संजीव जी, आपने कहा तस्वीरें दिखाइए, मैंने तस्वीरें दिखा दी, ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के जमाने की हो सकती हैं। पहले आपने कहा कि ये जो आप बातचीत बता रहे हैं ये ग्रामीण कांग्रेसी हो सकता है,
तो आप जनता किसको मान रहे हैं जो आपकी जय जयकार कर रहा है? आप जनता किसको मान रहे हैं जो जय भाजपा बोल रहा है? आप जनता दरअसल किसको मान रहे हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं? जो आपका कार्यकर्ता नहीं है वो जनता नहीं है, उसके लिए काम करना भी आपको जमता नहीं है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से रही है और पूरी तत्परता के साथ डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। हर हर गांव, गली, शहर। नहीं, आपने ये क्यों कहा कि आप ये मानते हैं कि आप सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास है, कर रही है स्वरोजगार के लिए काम कर रही है? कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, पीएमजेवाई के माध्यम से। एक सेकंड अमनदीप, जा रहा हूँ। ठीक है अमनदीप जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे भी सवाल है। जो नेता, एक बड़ा नेता, आपकी हार को महसूस करके बीजेपी में चला जाता है, वहां मंत्री पद से नवाजा जाता है, वहां मंत्री रहता है, बाद में उनको लगता है कि यहां पर तो मुख्यमंत्री बना जा सकता है, एक अच्छा मौका है, वो आपकी पार्टी में वापस आ जाते हैं, तो जो खुद का विकास कर रहे हों, व्यक्तिगत विकास की सोचते हों, व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को तलाशते हों, ऐसे नेता जनता के लिए क्या काम करते हैं? देखिए, अभी भी मैंने जब ओपनिंग हुई तब मैंने यही बोला आपको कि जो विचार विमर्श पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा तो तब घोषित होना है, मुख्यमंत्री तो तब बनाए जाएंगे या उनकी सीट उनको तब दी जाएगी जब प्रदेश में परिवर्तन, प्रदेश में सरकार बनेगी, और वो सारा का सारा फैसला हमारे प्रभारी जी एवं अन्य बड़े नेता करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। उसके तो आप देखिए, वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, दिल्ली से जो फैसला हो, के हमारे केसी वेणुगोपाल जी प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो करें, और हमारे देवेंद्र यादव जी यहाँ के प्रभारी हैं, वो करें। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे द्वारा, हमारी पार्टी द्वारा कहा गया है, ये जो चुनाव है ये सामूहिक चुनाव है, ये किसी के भी परपेक्ष एक व्यक्ति विशेष के चेहरे पे नहीं है, ये कांग्रेस के जो कार्य अब करने हैं कांग्रेस ने, और ये जो भाजपा सरकार ने जिस प्रकार को प्रदेश में, ये जो संजीव वर्मा जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं अपने, अपनी भाजपा सरकार को, जो फेल हो चुकी है सरकार में, बेरोजगार युवा हमारे प्रदेश में है, बढ़ती महंगाई है, बहुत चीजें हैं जो आज सरकार उस पर बात नहीं करती है। ये 2017 के मैंडेट में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संकल्प पत्र लाते हैं, उसमें लंबी लिस्ट बनाते हैं और सबसे ऊपर रोजगार की बात करते हैं, लेकिन उसी में सबसे पहले सरकार फेल है। आज प्रदेश का एक एक प्रत्येक युवा, ठीक है, जो आज इतनी डिग्रियां लेके बैठे हैं ना, आज वो रो रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं सरकार के आगे कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन सरकार कहां सुन रही है। ठीक है, संजय भट्ट साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी आपसे कॉमेंट लेता चलूंगा। दरअसल अमनदीप, आप समझ नहीं रहे हैं, समस्या बड़ी है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति पंजाब में नजर आई, वही स्थिति अब उत्तराखंड में है। अब यशपाल आ रहे वही करने जा रहे हैं जो सिद्धू ने किया, और ऐसा भी हो सकता है कि नाराजगी के चलते कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि गुटबाजी काफी ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि पंजाब में जो कांग्रेस के साथ हुआ, क्या हुआ कांग्रेस के साथ? चन्नी जी जो मुख्यमंत्री बने पंजाब में, आप कह रहे हैं कि क्या हुआ? आप कह रहे हैं कहा ना, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं क्या हुआ? अमरिंदर सिंह जी बताइए, इतने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी से, वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, आरोपों की झड़ी लगाकर चले गए, आप कह रहे हैं पंजाब में क्या हुआ? देखिए, अगर सरकार आप भूल जाते हैं कि अपने नेताओं को जो ये फैसला लिया गया है और आज प्रदेश में, जो पंजाब प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाया गया, क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या उन्होंने आते सर काम नहीं किया? चन्नी जी को, चन्नी जी को जब पंजाब में, चन्नी जी को जब पंजाब में सीएम बनाया गया तो कहा गया ये दलित फेस है, इनका फायदा मिलेगा। तो यशपाल आर्य जो है वो भी दलित फेस है, दलितों के एक बड़े नेता कहे जाते हैं, तो उनको भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, दलितों का उत्थान हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए सब एक ही प्रकार के, हमारी पार्टी के लिए सब पूरी की पूरी जनता एक उसमें है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है। दोबारा बता दूं,
दोबारा बता दूं कि ये जो फैसले हैं ये उच्च स्तरीय बैठकों द्वारा लिए जाने हैं, और जब प्रदेश में सरकार हमारी आएगी 2022 में तो तब ये फैसले लिए जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चाहे। अमनदीप सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस से, आप कौन सी कांग्रेस में हैं, जो प्रीतम सिंह जी वाली कांग्रेस है या फिर जो अभी यशपाल आर्य जी वाली कांग्रेस है या हरीश रावत जी वाली कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? यूथ कांग्रेस में हूँ। यूथ कांग्रेस में तो है आप, आप यूथ कांग्रेस कौन सी टुकड़ी में है, प्रीतम सिंह जी वाली टुकड़ी में है या हरीश रावत जी वाली टुकड़ी वो, में? वो आपको लग रहा है टुकड़ी में, लेकिन मैं तो यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, यूथ कांग्रेस के लिए हूँ। ठीक है, ठीक है, आम आदमी पार्टी पर चले गए। संजय भाट साहब, बहुत माफी के साथ काफी समय लगा दिया आप पर वापस आने में, लेकिन इन लोगों के पास मैटर इतना है, कंटेंट इतना है कि अगर दिन रात भी झगड़े तो भी झगड़ते रहेंगे, क्योंकि 20-21-22 साल जैसा कि आपने कहा कि खूब मलाई खाई है। देखिए चौधरी, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं संजीव वर्मा जी, जब आपने वीडियो दिखाया तो वो कह रहे 2015 का वीडियो हो सकता है, तो मैं तो मानने को तैयार हूँ कि 2015 का वीडियो है वो हरिद्वार टूटी हुई सड़क को, और 2015 से पहले 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तब से वहां सांसद भारतीय जनता पार्टी के निशंक जी हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी ये सड़क ठीक कराने की? भले वो 2015 का वीडियो है या 2021 का वीडियो है, जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी, कांग्रेस की भी उतनी। ये सड़क आपने दिखाई है हरिद्वार के, उत्तराखंड के गांव में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर डंडी कंडी पर आना पड़ता है प्रसव के दौरान महिलाओं को या बीमारों को या बुजुर्गों को और अस्पताल जाने के लिए, यानी 15-20 किलोमीटर तक कोई सड़क है ही नहीं। हिंदुस्तान आजाद हुए 77 साल हो गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस की जो 21 साल सरकार है, हम उत्तराखंड क्यों अलग किया, क्यों अलग उत्तराखंड मांगा उत्तर प्रदेश से? क्योंकि हमारे पहाड़ों पर विकास नहीं हो पा रहा था, सड़कें गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन वो तो आज भी नहीं पहुंची। 11 मुख्यमंत्रियों का विकास तो हो गया, जो मंत्री बने उनका विकास तो हो गया, लेकिन सड़कें आज भी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। आपने तो ये प्लेन का दिखाया, अगर पहाड़ पे चले जाएंगे चौहान जी तो आप क्या कहें, गालियां देने लगेंगे आप इन नेताओं को जो जिनकी सत्ता रही है उत्तराखंड में। सवाल करने पर तक तो, सवाल करने पर तक तो विपक्षी का टैग लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो यही तरीका है, अगर आप सवाल उठाओगे आपको कहेंगे आप हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, आप सवाल उठाओगे कहेंगे आप आम आदमी पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, आप सवाल उठाएंगे तो कह देंगे कि आप उत्तराखंड से नहीं हो बाहर के हो, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। इनको सर्टिफिकेट बांटने की आदत है भारतीय जनता पार्टी वालों को, और ये सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, तो इनके सर्टिफिकेट से जो समझदार इंसान है उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मुझे ना आपको ना किसी अन्य को। लेकिन उत्तराखंड बने हुए 21 साल में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जिम्मेदारी वो नहीं है? या सिर्फ और सिर्फ ये यही करते रहेंगे कि हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आज इस मंत्री इस पार्टी में जाके मंत्री बन जाऊं, कल उसमें बन जाऊं, अपने बेटे को भी विधायक बनवा दूं? क्या उत्तराखंड का भी कभी भला करने की सोचेगी भाजपा और कांग्रेस? नहीं, ना सोचा ना सोचेंगे। ठीक है, और जहां तक अमनदीप जी अभी कह रहे थे कि पंजाब में क्या हुआ, तो आपके माध्यम से अमनदीप जी को और कांग्रेस को बताना चाहूंगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को 52-55 सांसद आए, उसमें से 8 सांसद पंजाब से आए, 13 में से 8 सांसद पंजाब से आए कांग्रेस को, तो वो अमरिंदर सिंह थे, और उत्तराखंड में हरीश रावत सबसे अधिक वोटों से हारने का रिकॉर्ड बनाए गए, 5 की 5 लोकसभा सीट हार गए, 70 में से सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही, यानी 65 पे पीछे रही, और हरीश रावत जी के नाम रिकॉर्ड है 3,39,000 वोटों से लोकसभा हारने का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है संजय भट्ट साहब, ठीक है संजय भट्ट साहब, आप आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड में दस्तक दे चुके हैं, आप भी चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में जो 4 टॉप हॉट टॉपिक्स होते हैं उत्तराखंड में चुनाव के वक्त, उनमें से आप अपने आप को कहां पर फाइट में मान रहे हैं? हिंदुत्व, विकास, रोजगार और राष्ट्रवाद, आप कहां पर हैं? देखिए आप 4 ऑप्शन देंगे तो चूज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं
असल में उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं उत्तराखंड के विकास के। उत्तराखंड में जो सड़कें नहीं पहुंची, जो शिक्षा ठीक से नहीं हुई, स्कूल बंद हो गए लगातार, जो उत्तराखंड किसान वाली हालत है उत्तराखंड की, जैसे किसान की हालत है, उसका माल बेच देता है लेकिन खरीदने दुकान पे जाता है तो महंगा मिलता है। उत्तराखंड में बिजली बनती है, बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं देते हैं, वहां महंगी वहां फ्री बैठती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन होता है। और हमारे यहाँ कोरोना काल में बिजली के दाम बढ़े, इस कोरोना काल में सेकेंड वेव में, तो ये हालत उत्तराखंड के किसने की है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, दोनों ने मिलकर की है। उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को दूर करना है और ये भाजपा प्लस कांग्रेस को दूर करना है। ठीक है, एक सेकंड, काफी देर से ये मैं सोच रहा था कि देखिए पार्टी का क्या है कि उनका जो कोर एजेंडा होता है घूम फिर कर, जलेबी कितनी भी बना ले, इमरती कितनी भी बना ले, लेकिन घूम फिर कर अपने कोर एजेंडा पर आकर दस्तक जरूर देती है। बीजेपी से बात करो तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर जरूर पहुंच जाएंगे, तो आप पर जब हम बात करते तो आप बिजली पर जरूर जाते हैं, तो बिजली कैसे देंगे उत्तराखंड को? क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है? चौहान जी, या वो वाली बात तो नहीं है? ठीक है, एक स्टोरी याद आ गई, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, सुनाइए। ठीक है, स्टोरी ये है कि कई सारी भेड़े थी, तो भेड़ों ने एक बार, भेड़ों का एक सरदार आया, तो उस सरदार ने कहा कि इस पूरे इलाके को, समझ गया, समझ गया, पूरे इलाके को समझना चाहिए, बहुत बढ़िया रजाई सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे में जब भेड़े वापस जाने लगी तो उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने पूछा कि इतनी सारी रजाइयाँ, इतनी सारी कंबल हमें देंगे कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि आप ही से नोच के आप ही को वापस कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए चौहान जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, हमसे नोचा जा रहा है, जनता से नोचा जा रहा है, जनता को नोचा खसोटा जा रहा है और फिर भी जनता को नहीं दिया जा रहा है। हालात ये है कि वो कंबल भी नहीं दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो कंबल देने को राजी कहाँ ही है? मतलब आप नोच, ये तो कंबल के साथ साथ पूरा कंबल का ट्रक अपने घर भेजा रहे हैं। ठीक है, क्या मंत्रियों को बिजली फ्री नहीं मिलती? और जो मैं बात कह रहा था, मैं उस बात पर आना चाहूंगा चौहान जी। देखिए उत्तराखंड में जब टिहरी बांध बना, जो एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, उस बांध पर जब हमारे 10,000 परिवार स्थापित हुए, तो ये कहा गया ठीक है संजय भट्ट, बिजली फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री दी जाएगी। देखिए दूसरी बात, चौहान जी मेरी बात पूरी करने दीजिए, आपने सवाल उठाया, सवाल का जवाब ले लीजिए प्लीज। ठीक है, दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और बिजली फ्री की गई, तो वो वाली कहावत बिल्कुल सही नहीं होती कि हमारी हमारी ही बाल उतारे जाएंगे, हमारी ही खाल उतारी जाएगी और उसी का कंबल बनाया जाएगा। हाँ, अगर दिल्ली में कोई नया टैक्स लगाने के बाद बिजली फ्री दी जाती तो आप ये बात कह सकते थे। जी ठीक है, अब संजय भट्ट साहब, दरअसल समस्या क्या हुई कि आपने बिजली तो खूब किया, लेकिन आपको एन मौके पर ऐसा लगा शायद कि जब तक हिंदू जो है, जो चुनावों में आजकल केंद्र बिंदु बना हुआ है, जब तक हिंदू वोटर को टच नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा, इसलिए जो अब आपकी यात्राएं निकल रही हैं, तीर्थ यात्राएं, जो आप यात्रा करवा रहे हैं लोगों को मुफ्त में, बीजेपी को पटखनी देने के लिए है ये यात्राएं? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें उत्तराखंड में रही हैं और कोई अच्छा काम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर में फ्री यात्रा के लिए भेजा गया, और उत्तराखंड में भी हम लोग जो फ्री यात्रा करने चाहते हैं उनको एक टिकट दे रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या की फ्री यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, बीजेपी पर जाऊंगा सीधे संजीव वर्मा जी के पास। संजीव वर्मा जी, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपके वोटर्स पर पैनी निगाह है इनकी, सीधा निशाना आपके वोटर्स पर मार रहे हैं, यात्राएं करा रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या में तो आप हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, अब यात्रा पे आप कैसे आ गए? दिल्ली के दंगों में जितने दोषी थे उन सब, संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड में 13 में से 10 जिले पहाड़ी हैं, उन पहाड़ी 10 जिलों में हॉस्पिटल बना दीजिए। बहुत सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए संजीव वर्मा जी, तुरंत दे दीजिए जवाब। बढ़ावा दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को, आप बढ़ावा दे रहे हैं मौलवियों के, आप पद बढ़ा रहे हैं मौलवियों के, आप तंखा। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड के 13 में से 10 जिले पहाड़ी हैं, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है ठीक से, हॉस्पिटल है अगर छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र, तो उसमें कोई भी मशीन उपलब्ध नहीं है, करने वाले एक्सरे तक की मशीनें उपलब्ध नहीं है,
विचारधारा के पोषक है उनको पहाड़ी जिलों की बात की जाए, कुमाऊं में सारे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बने हैं, रेफर कर दिया जाता है हल्द्वानी के लिए, गढ़वाल में सारे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बने हैं, रेफर कर दिया जाता है देहरादून के लिए। तो रेफर सेंटर जो आपने खोल रखे ना उत्तराखंड की 10 पहाड़ी जिलों में कुमाऊं और गढ़वाल में, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे बनाइए। आपने दिल्ली में कितने विश्वविद्यालय बनाए, आपने दिल्ली में कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया आपने दिल्ली में, आपने उत्तराखंड में क्या बनवाया उस पर जवाब दे दीजिए। उत्तराखंड की डिबेट है, उत्तराखंड पर जवाब दे दीजिए। दिल्ली में जिनका मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का मैं बता देता हूँ, एक दूसरे की कमियां मत बताइए, एक दूसरे की कमियां मत बताइए। संजीव हुआ तो दिल्ली का इलाज कराने, संजीव जी आपने उत्तराखंड में क्या किया उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। कोरोना हुआ तो दिल्ली का इलाज कराने सन अपव्यय किया, सड़कों पर राफ्टिंग हो रही है, नलकों में पानी नहीं है, यमुना झाग की फैक्ट्री बन गई है, पूरी दिल्ली सांस लेने के लिए अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, इतना जबरदस्त प्रदूषण है। तो आपके सारे केंद्रीय नेता दिल्ली में बैठे हैं, वो जी कैसे रहे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाजपा के सारे केंद्रीय नेता दिल्ली में बैठे हैं, वो जी कैसे रहे हैं अगर सांस नहीं ली जा रही? तो तस्वीरें खिंचवा कर, चार चार एंगल से तस्वीरें खिंचवा कर आप बोल देते हैं स्कूलों का इतना सुधार किया, कौन सा नया स्कूल बनाया? चलिए ठीक है, खिड़कियों को बंद करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले संजीव वर्मा जी ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। संजीव जी आपने, मैंने आपसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि हरिद्वार से एक दर्शक हैं विनोद जी, उन्होंने आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, आपने कहा कि वो कांग्रेसी हो सकते हैं, आपने कहा तस्वीरें दिखाइए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आपने कहा कि यह 2015 की तस्वीर हो सकती है, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इन नारों के साथ जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करते हैं, तब अगर आप ये कहते हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का आदमी हो सकता है, अगर आप अपने अंतर्मन से कुछ सवाल कर सकते हैं और आप विपक्ष का मुझको ना माने, तो आपको कुछ सवालों के साथ छोड़कर जाता हूं। एक सवाल तो वही है जो आम आदमी पार्टी के नेताजी ने पूछा कि 10 जिलों में हॉस्पिटल बना दीजिए, एक्सरे नहीं है और दो दो कोविड की जो वेव्स निकल गई उसके बावजूद आज भी हॉस्पिटल की जो हालत है इतनी खस्ता हाल है, उस पर काम कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है सबसे ऊंचे स्तर पर है, उस पर काम कर लीजिए, पलायन की जो समस्या है वो बदस्तूर जारी है, उस पर काम कर लीजिए, आपदा प्रबंधन पर काम कर लीजिए, सड़कों पर काम कर लीजिए, फोन का कनेक्शन आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिलता है, अगर पूरा देश फोन चला सकता है, कनेक्शन में रह सकता है, तो आज भी पहाड़ी क्षेत्र इससे इतना दूर क्यों है? इन पर काम कर लीजिए, अंतर मन के साथ सोच लीजिएगा। आपको इन सवालों के साथ छोड़कर जाता हूं, एक पत्रकार हूं, विपक्ष की बात को मत समझिएगा, एक आम जनता के यही सवाल है आपसे। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो उत्तराखंड की जो आज डिबेट थी, पूछता है उत्तराखंड, उसमें सवाल दरअसल ये था कि कद्दावर नेता बड़े नेता, इधर मंत्री का पद मिला तो इधर थे, उधर मुख्यमंत्री के पद मिलने की गुंजाइश थी तो उधर थे। सवाल बस यह है कि जनता के साथ कब। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।